हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिस्कस अबाउट स्टील स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक है टेंसाइल स्प्लाइसेस। क्या होती है टेंसाइल स्प्लाइसेस का मतलब जो होता है कि जब दो एंगल सेक्शन या फिर एंगल सेक्शन या फिर प्लेटें जो टेंशन मेंबर के लिए यूज की जाती हैं वो फैक्ट्री में जो बनाई जाती हैं वो जो लंबाई में होती नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बड़े स्पान के लिए यूज करने के लिए एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में उन दोनों को जोड़ने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्प्लाइसेस। इसमें दो प्लेटें जो हो सकती हैं वो सेम मोटाई की हो सकती हैं या फिर डिफरेंस लंबाई मोटाई की हो सकती हैं। इफ़ दोनों प्लेटें क्या हैं, डिफरेंट मोटाई की हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कवर प्लेट के माध्यम से इसको बट जॉइंट के तरीके से इसको टेंसाइल स्प्लाइसेस को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। फिलर मटेरियल जो होता है वो किसी प्रकार का कोई भी लोड नहीं बैन करता, वो केवल सपोर्ट प्रदान करता है किसको, इसमें जो रिवेट लगाते हैं उसे। जो फिलर मटेरियल की जो मोटाई होती है, जो रेड कलर की दिख रही है उसकी मोटाई वो T1 और T2 के डिफरेंस के बराबर होती है, ओके। और प्रत्येक 2 mm मोटाई के लिए 2.5% नंबर ऑफ रिवेट इंक्रीज करते हैं, ओके। जैसे इसमें यदि हमने लोगों ने निकाला रिवेट वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट जो इस पे लोड आ रहा होगा पी, और उसको 1 rivet की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे। अब मीनिंग आती है कि 1 rivet स्ट्रेंथ क्या होती है। 1 rivet स्ट्रेंथ बराबर होता है PS और PB। PS का मतलब है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और PB का मतलब है बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा भाई होती है इसकी स्ट्रेंथ। अब जो मिनिमम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी डिजाइनिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं PS और PB जो रिवेट की स्ट्रेंथ हैं वो कैसे होती हैं। ये देख रहे हैं कि एक रिवेट दिखाई गई जिसके ऊपर दोनों तरफ से लोड लग रहे हैं। इस कंडीशन में ये रिवेट या तो अपना शेयर फोर्स के कारण कट जाएगी और या फिर बियरिंग के कारण इसका सेप चेंज हो जाएगा और या फिर ये प्लेट में यूज हुई उसको अपलिफ्ट कर देगी, तो ये होता है बियरिंग फेल्यूअर, ये कहलाता है शेयर फेल्यूअर, ओके। अब इफ़ नंबर ऑफ रिवेट यहाँ से निकाली, मान लिया 6 नंबर ऑफ रिवेट निकली हैं, तो उसमें 2.5% का इंक्रीजमेंट कर देंगे और उस जो ये रिवेट निकली है बढ़ी हुई रिवेट उसको हम लोग इसमें इंक्रीजमेंट कर देते हैं। इसमें लगाएंगे जो तुम्हारी बाहर फिलर प्लेट है और ये वाली प्लेट, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग इस एक्स्ट्रा रिवेट का यूज करते हैं। ये कोड के अनुसार 2.5% ही दिया जाता है, ओके। एक्स्ट्रा रिवेट यूज इन फिलर प्लेट एंड प्लेट। अब जो कवर प्लेट इसमें यूज करते हैं उसकी नॉर्मली जो थिकनेस ली जाती है वो 5.5x8 T minimum के बराबर ली जाती है, ओके। तो इस कंडीशन में ये टेंसाइल स्प्लाइसेस का यूज किया जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये सब था टेंसाइल स्प्लाइसेस के बारे में। न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन दीजिए, ओके।